This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। यूपी में हालात कोरोना के चलते बिगड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर कहूं हालात जो है लखनऊ के इस कदर खराब है ऑक्सीजन की कमी के चलते कि जो चिंता बढ़ा रहे हैं। और लखनऊ में जिस तरीके के हालात हैं वो बड़े हैं और चुनौती के तौर पर सरकार के सामने खड़े हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी बेहद तौर पर देखी जा रही, बेहद कमी है ऑक्सीजन की और इस कदर हालात खराब हैं कि लोग जो हैं वो ऑक्सीजन के लिए लखनऊ में परेशान हो रहे हैं। अगर लखनऊ की मैं आपसे बात करूं तो हैदरगंज के बाज़ार में जहां पर प्रमुख तौर पर ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलते हैं, जहां से कभी ऑक्सीजन सप्लाई हुआ करती थी, वहां लोगों को अब आप सोचिए हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि लोग खुद सिलेंडर लेने के लिए जाते हैं। ऐसे कई शख्स देखे गए जिनके परिवार में अगर मान लीजिए दो लोग बीमार हैं तो दो सिलेंडर लेने के लिए वो कतार में लगे हुए हैं लखनऊ में। लोग लगातार इस बात के लिए कोशिश खुद अपने स्तर पर कर रहे हैं कि कैसे उनको कहीं से भी एक ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए। वो लखनऊ जिसमें खुद बताते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करने वाले इस तरीके की बात के 500 से 600 सिलेंडर आते थे रोजाना लखनऊ, अब 1900 सिलेंडर आ रहे हैं ऑक्सीजन के लखनऊ में, उसके बाद आपूर्ति नहीं हो पा रही है, दिक्कत बनी हुई है, लोग लगातार परेशान हैं और इसकी वजह साफ तौर पर यह आ रही है कहीं ना कहीं अभी भी ऑक्सीजन की आपूर्ति यूपी की योगी सरकार के सामने चुनौती बनी हुई है, खासकर लखनऊ को लेकर। लखनऊ में वैसे भी पहले से हालात इस कदर खराब हुए हैं कि आप सोचिए अस्पतालों में बेड नहीं है, उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी है। शमशान घाटों का ये हाल है कि वहां भी लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरीके की स्थिति निकलकर सामने आ रही है तो ये वास्तव में चिंता बढ़ा रही है दोनों तरफ से। आप सोचिए कि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक तरफ संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, तमाम जिले सरकार निर्णय ले रही है वीकेंड के लॉकडाउन से लेकर नाइट कर्फ्यू का अब निर्णय ले रही है, लेकिन अभी भी चूंकि इस स्थिति में एक चीज आवश्यक है वो है ऑक्सीजन की आपूर्ति, क्या उसको लेकर एक बड़ी चुनौती नहीं सरकार के सामने आ गई और अब तक उस चुनौती से निपटना संभव नहीं हो पाया है। अगर राजधानी लखनऊ की हम बात कर रहे हैं तो सोचिए इतने बड़े सूबे में तमाम वो जिले, उनमें क्या हाल होगा। लखनऊ के लोग वास्तव में इस स्थिति से परेशान हैं और ये स्थिति बनी हुई है ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी से। अब इस स्थिति को पूरी करने के लिए सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, दावा भी किया जा रहा है कि लखनऊ में इसकी आपूर्ति पर्याप्त तौर पर की जाएगी, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें लखनऊ से निकलकर सामने आती है वो चिंता बढ़ाती है कि लखनऊ में अब तक ऐसे हालात सुधर क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों के बाहर भी वही स्थिति है, बेड कई बार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और लगातार लोग जूझ रहे हैं इस समस्या से। दवा बाजार के सामने आपको भीड़ दिख जाएगी, ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लोगों की कतार लगी हुई नजर आ जाएगी। तो क्या ये तस्वीरें बता नहीं रही कि इंतजाम करने के बावजूद भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। राजधानी लखनऊ में ये हालात इस कदर बढ़ गए हैं कि लोग अभी तक जूझ रहे हैं ऐसी परेशानी के चलते। तो अब क्या राज्य सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती नहीं है कि लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसकी आपूर्ति पर्याप्त तौर पर हो ताकि लोगों के सामने इस दिक्कत से निकलने में सहूलियत हो, लोगों के सामने ये जो संकट है उससे लोग पार पा पाएं। आप देखते रहिए यूपी तक।